ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पैंट भी निकल गया, दिखाइए। ये देखिए ये पैंट मशीन बोलते हैं, इसके अंदर में बहुत सारा स्टिकर चिपकाया जाता है या फिर पैंट का काम होता है वो इसके अंदर में। पूरा सैंपल तैयार होने के बाद में सैंपल चेक किया जाएगा, ओके है ना, मेजरमेंट ओके है, पीस कैसा लग रहा है ये अंदर में। इसको बोलते हैं RFD पैंट, इसको बोलते हैं कॉटन में RFD पैंट। आप पैंट का लुक देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए टॉप, इसको मेरे पास में काफी सारा है। ये देखिए डेनिम के अंदर में, डेनिम का भी कुछ पीसेस मैं आपको दिखाता हूँ। डेनिम पीस के अंदर में इसके संग में डेनिम का पैंट दिया हुआ है, जीन्स पैंट दिया हुआ है, इसके संग पीसेस देखिए बहुत ही सुंदर। अपने पास में COD भी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी के अंदर में आपको करना चाहिए, हमारा कस्टमर का ऑर्डर है, कस्टमर का ऑर्डर निकाला जा रहा है। ये देखिए ये जैसे, हेलो व्यूअर्स, कोलकाता बिजनेस टिप में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से आए हैं बाबा सूट के मैन्युफैक्चरर के पास में, तो आइए मिलते हैं कंपनी के ऑनर से और जानते हैं कंपनी के बारे में। हेलो सर। नमस्कार सर। तो सर हमारे व्यूअर्स को जरा सा अपने कंपनी के बारे में बताइए। सर हमारा कंपनी का नाम है वर्सु अपैरल्स और हम लोग हैं कैलकटा के अंदर में बाबा सूट के मैन्युफैक्चरर। हमारा फैक्ट्री है एयरपोर्ट के पास में, मतलब आप हावड़ा से अगर कनेक्ट करते हैं या सियालदह से कनेक्ट करते हैं तो आधी घंटा 40 मिनट का हमारा डिस्टेंस है हावड़ा या सियालदह से फैक्ट्री तक। और हम लोग बनाते हैं बाबा सूट के मैन्युफैक्चरर प्रीमियम क्वालिटी के अंदर में माल बनाते हैं। कोई भी रेगुलर आइटम हमारे पास में नहीं मिलने वाला, अच्छा आइटम, प्रीमियम आइटम, बॉक्स पैकिंग आइटम जो आपके दुकान को, आपके शोरूम को चार चांद लगा दे, वैसा आइटम हम लोग बनाते हैं। और सर क्या रेंज होगा? सर रेंज तो ऐसे हमारा जब गर्मी का टाइम आता है तो वहां से तो 125-150 रुपये से स्टार्ट होकर के ऊपर में 250-300 रुपये तक आइटम मिलता है। और अभी तो सामने फेस्टिवल है और पूजा है, दिवाली है, शादी का माहौल है सामने, तो अभी जितना भी माल मिलने वाला है अभी पूरा का पूरा फैंसी आइटम मिलने वाला है और अभी फुल टू फुल मिलने वाला है। अभी मैं हाफ में कुछ भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ठंड का समय भी संग में है। हाँ, आगे ठंड का समय भी आएगा, आगे ठंड का भी समय आएगा तो और क्या है, ठंड के समय में भी ऐसे भी फुल स्लिप्स हो जाता है तो उसका प्राइसिंग बढ़ जाता है। तो अभी अपने पास में जो भी माल मिलेगा वो 250-300 रुपए से स्टार्टिंग अपने को, मैं आपको आज जो है ना वो माल दिखाने वाला हूँ जो एकदम प्रीमियम आइटम होगा वो अपना स्टार्टिंग होने वाला है लगभग 260-270 रुपए से स्टार्टिंग होकर के ऊपर में 400-450 रुपए तक का भी आइटम मेरे पास मिलेगा। तो आइए व्यूअर्स देख लेते हैं किस तरह का प्रोडक्ट है और वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आपके फायदे का प्रोडक्ट शायद आपको यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि जिस रेंज में आपको यह प्रोडक्ट मिलेगा वो एक मैन्युफैक्चरर के पास में है तो इसका बेनिफिट तो जरूर आपको मिलेगा, 101% उसका बेनिफिट मिलने वाला है। सर जैसे कि आप बहुत दिनों से YouTube से जुड़े हुए, हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो बनाए हैं तो आपसे बहुत सारा हमारे व्यूअर जुड़े भी होंगे, तो सर उनका एक्सपीरियंस कैसा है सर आपसे जुड़ के? सर सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके विनम्र से, दिल से एकदम आप लोग का कोटि कोटि धन्यवाद सर, क्योंकि मैं अच्छा सर्विस देता हूँ लेकिन आप अच्छा सर्विस लेते हैं इसीलिए, और आप इतना भरोसा मेरे ऊपर में जताते हैं, आप इतना भरोसा करते हैं मेरे ऊपर में कि मैं आप मजबूर हो जाता हूँ कि आपको धन्यवाद देने के लिए। इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, मतलब जितना माल लेकर के आते हैं अभी तो ऐसा हो गया कि हमको लगता है कि शायद बैंक से लोन वोन लेना पड़ेगा अभी और माल एक्स्ट्रा बनाने के लिए। ये हालत है अभी प्रोडक्ट का। और अपने आपका व्यूवर्स से मेरे को बहुत प्यार मिलता है, यूट्यूब से जो भी है अभी यूट्यूब, मतलब जितना क्लाइंट हमसे जुड़ा है यूट्यूब से, एक तो हमारा हमेशा से मैं सोचता था कि हम लोग कैसे दुकानदार की मदद कर सके, तो भगवान का कृपा है कि जो हमने यूट्यूब पे हम लोग आए और यूट्यूब से हमारे से कस्टमर जुड़े और उनका काफी प्यार मिलता है और काफी माल सेल हो रहा है। हमारे व्यूवर्स भी सोचते थे कि कहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, मार्केट मार्केट घूमते थे लेकिन कभी भी उनको सही जगह नहीं मिला जी। और जिस तरह का क्वालिटी और जिस तरह का रेंज आपके पास में मिल जाता है, इसलिए हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कुछ प्रोडक्ट दिखाते हैं सर? हाँ सर बिल्कुल दिखाते हैं। हाँ आज चलिए मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, हमारा जो प्यारा प्यारा फैंसी आइटम जो बना हुआ है पूजा स्पेशल के लिए, वो देखिए इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा फुल स्लिप्स के अंदर में। इसको बोलते हैं RFD पैंट, इसको बोलते हैं कॉटन में RFD पैंट। आप पैंट का लुक देखिए वो आपको समझ में आएगा। ये देखिए टॉप और शर्ट, क्या टी शर्ट क्या फैब्रिक हो गया सर? ये टी शर्ट का जो फैब्रिक है वो सिंकर कॉटन है और पैंट जो है वो RFD के ऊपर में है। ठीक है आप इसका पीस देखिए,
ये पूरा का पूरा सिंगल पीस बॉक्स पैकिंग के अंदर में माल आता है। बॉक्सेस कैसा रहता है वो इस तरीके का बॉक्सेस रहता है। ये देखिए ये हमारा बॉक्स पैकिंग है, ठीक है, पूरा का पूरा सिंगल सिंगल पीस बॉक्स पैकिंग में। पीस का मैंने पैकिंग भी आप देखिए, ये पूरा का पूरा सिंगल सिंगल बॉक्स पैकिंग के अंदर में माल है। और सबके संग में सर क्या आपको कैटलॉग भी दिया गया? हर सेट के संग में कैटलॉग रहता है, हर एक सेट के संग में एक एक कैटलॉग जो कस्टमर अपना दुकान के अंदर में लगा करके बेच सके। जैसे बहुत सारा कस्टमर का ये चीज दिक्कत आता है कि भाई उनको 20 पीस खोल देना पड़ता है, एक ही बच्चा को एक ही साइज देने के लिए 20 पीस कम से कम खोल खुल कर दिखाना पड़ता है। तो कैटलॉग रहने से क्या होता है, एक कैटलॉग से पीस का लुक भी आ जाता है। आप अपने दुकान के अंदर में कैटलॉग लगाएं, आपको समझ में आ गया आपका कस्टमर आया कैटलॉग दिखा करके कि भैया ये आइटम मिलेगा, क्या क्या साइज आपको चाहिए ये बताइए, वहां पर वो अपना डिजाइन कलर पसंद कर लिए आपको निकाल के दिखा दिए। एकदम एकदम। तो इससे क्या होता है, दुकानदार का काम भी आसान हो जाता है, और इससे और ये सब चीज होने से क्या होता है, एक पीस पे लुक भी आता है, एक अच्छा लुक भी आता है, दुकानदार को माल बेचने में भी सुविधा होता है। तो सर क्या रेंज का होगा सर ये प्रोडक्ट और क्या साइज है इसमें? सर ये सब जो मैं आपको बताया ना, लगभग अपना 260-270 रुपया से स्टार्टिंग होता है और ऊपर में 350-400 रुपया 425 रुपया तक का पीस जाता है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ता है उस हिसाब से रेट भी बढ़ता है। क्या क्या साइज मिल जाएगा आपके? सर अपने पास में जो साइज मिलने वाला है, 1 साल से लेकर के 10-11 साल तक का साइज मिलेगा। 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 अलग 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 साइज के ऊपर तीन ग्रुप में। जी सर। पीसेस में आपको और दिखाता हूँ, पीसेस हमारा एक से एक बढ़िया बढ़िया आपको पीस मिलने वाला है। आप अगर डेनिम में अगर चाहते हैं तो डेनिम में भी मिलेगा, आरएफडी पे भी मिलेगा। अभी मैं आपको आरएफडी का पीसेस दिखा रहा हूँ। पीसेस का मैचिंग आप देख सकते हैं, दो दो कलर के अंदर में इसका मैचिंग आता है। जितना भी माल मिलेगा आपको सारा का सारा दो दो कलर के अंदर में माल मिलता है। दो कलर और तीन साइज, दो कलर तीन साइज, जैसे 16, 18, 20 आप अगर लेते हैं तो दो कलर लेना पड़ता है आपको और तीन साइज लेना पड़ता है। 6 पीस का सेट आता है ये। देखिए दूसरा आइटम देखिए, बहुत ही अच्छा। इन सब का कैटलॉग भी आपको मैं दिखाता हूँ। पीसेस तो मेरे पास में काफी सारा है। ये देखिए डेनिम के अंदर में, डेनिम का भी कुछ पीसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डेनिम पीस के अंदर में, इसके संग में डेनिम का पैंट दिया हुआ है, जीन्स पैंट दिया हुआ है इसके संग में। ये रहा टॉप। डेनिम का जो पीस आता है वो 10-20 रुपए का फर्क पड़ता है। जो अपने टॉप आरएफटी का जो पैंट आता है उससे 10-20 रुपए का फर्क कम पड़ता है डेनिम का पैंट। डेनिम जरा सा सस्ता हो जाता है, डेनिम जरा सस्ता हो जाता है। वो क्या होता है, आरएफटी का पैंट वगैरह क्या होता है, थोड़ा फैंसी लुक के अंदर में चला जाता है। और सर उसमें तो कलर भी मिल जाएगा ना, आरएफटी में तो आपको कलर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, और आप ये चीज के लिए निश्चिंत रहिए, रेट वगैरह के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है सर। लेकिन कस्टमर का भगवान का धन्यवाद है कि हमारे जो कस्टमर है ना, हमारे जो व्यूअर्स है ना, वो पीसेस को समझते हैं। मतलब हमारे को इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि भाई रेट, क्योंकि मैं यूट्यूब के अंदर में देखता हूँ कोई पीसेस लेकर के आ गया बोलता 50 रुपए का पीस है। तो मैं यही चीज सोचता था सबसे जब स्टार्ट नहीं किया था यूट्यूब में कि भाई 50 रुपए का अगर ये बेच रहे तो हमारा पीस कौन लेंगे, हम लोग तो कॉस्टली आइटम बनाते हैं, अच्छा आइटम बनाते हैं। लेकिन भगवान का कृपा है कि हमारे को रेट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कस्टमर खुशी खुशी रेट देता है और आराम से माल लेता है और रिपीट ऑर्डर है। मेरा जानते हैं सक्सेस किसके अंदर में, ऐसा नहीं कि आपको एक बार माल दे देना, तो एक बार माल दे करके क्या होगा, मैं 1,500 रुपये आपसे कमा लूंगा। लेकिन आप मेरे को अगर कंटिन्यू आप अगर मेरे से माल परचेस करते, वो मेरा सक्सेस है कि मैं अच्छा माल बना करके आपको अच्छा सर्विस, अच्छा चीज, अच्छा प्रोडक्ट मैं आपको सर्व कर पा रहा हूँ। सर व्यूवर्स जानते हैं, मार्केट को भी जानते हैं और यूट्यूब में भी देखते हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं वो समझते हैं कि 50 रुपया का क्वालिटी और 250-250 रुपया का क्वालिटी में क्या अंतर होता, क्या है, क्या अंतर होता है। एग्जैक्टली सर। और बहुत सारा कस्टमर जैसे ये देखिए, ये सब पीसेस देखिए बहुत ही सुंदर। अपने पास में सीओडी भी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी के अंदर में आपको करना क्या पड़ता है, आपके पास में जब प्रोडक्ट पहुंचता है तब आपको पैसा देना पड़ता है कैश ऑन डिलीवरी। बहुत सारे जन के मन में संतुष्टि नहीं होता है कि भाई ये एक्चुअल में सही है या नहीं है। मेरा ऐसे काफी सारा वीडियो इस चैनल पर आया हुआ है, आप मेरा कमेंट्स चेक कर सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव कमेंट्स है क्या, कि
कोई ना कोई तो ऑब्वियसली अगर मैं गलत करूंगा तो कोई ना कोई तो नेगेटिव कमेंट्स करेगा ही कि भाई इन्होंने पैसा लेकर के माल हमको नहीं दिया या गलत माल दिया, ये माल का क्वालिटी खराब रहता है कुछ भी। हाँ, तो उसके बावजूद भी लेकिन बहुत सारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि नहीं भाई मेरा माल पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो आप हमारा मेरे से मिनिमम ऑर्डर है 10,000 रुपए का, आप हमसे 10-15,000 रुपए का कैश ऑन डिलीवरी पे भी माल मंगवा करके चेक कर सकते हैं कि कैसा हम लोग माल दे रहे हैं। तो सर कैश ऑन डिलीवरी में तो कुछ एडवांस पेमेंट का सिस्टम है ना सर? जी, कैश ऑन डिलीवरी के अंदर में आपको कुछ एडवांस, जैसे आप अगर मिनिमम ऑर्डर हमारा 10,000 रुपए का, आप अगर 10,000 का माल लेते हैं तो 2,000 रुपए आपको देना पड़ता है और बाद बाकी का 8,000 रुपए कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है। उस पे भी मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत सारा व्यापारी मेरे को पूछते हैं भाई मैं 2,000 रुपया दूंगा मेरे को माल मिलेगा, ये बच्चा लोग जैसा बात है, ये अच्छा व्यापारी ऐसा क्वेश्चन नहीं करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये चीज बता देता हूँ क्योंकि मेरे को ये बात सुन करके बड़ा खराब लगता है कि सर जो लाखों का काम कर रहा है, करोड़ों का व्यापार कर रहा है, वो आपका 2,000 रुपया का भूखा नहीं है। तो सर आपके मन में कोई भी डर है, किसी भी तरह का शिकायत है, तो आप एक बार वहां पर आइए, आप कोई भी वीडियो देखते हैं किसी का पास में भी अगर आप खरीदारी करने में संकोच हो रहा है तो वहां जाइए, जाते कंपनी से मिलिए, कंपनी का एड्रेस देखिए, फैब्रिक देखिए, क्वालिटी देखिए, उसके बाद खरीदारी करिए। और सबसे बड़ा बात मैं तो आपको यही बात बोलना चाहूंगा, देखिए व्यापारी का जो व्यापारी का जो जिंदगी है ना वो हमेशा चुनौती पूर्वक रहता है, दिन और रात हमेशा फाइट जो करना जानता है वही व्यापारी है, जो फाइट नहीं करना जानता है वो समझ लीजिए नौकरी करना जानता है। क्यों? क्योंकि उसको टेंशन नहीं चाहिए, उसको सुबेरे गया रात को आया काम खत्म, एकदम तनख्वाह 30 तारीख को मिल गया। जो जिंदगी से फाइट करना जानता है, जो प्रॉब्लम से, जो चैलेंजेस से फाइट करना जानता है वही व्यापारी बन सकता है। तो आप यही चीज सोचिए ना, मेरा 10,000 रुपया गया, अगर पवन केजरीवाल छोड़िए या मैं ही, मेरा बात छोड़ दीजिए, कोई भी मार्केट में आपको 2,000 रुपया लेकर के अगर प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया, अरे 2,000 में कौन सा आपका मकान गिर जाएगा और उसका मकान बन जाएगा, कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिला, अगर माल आ गया, माल आपको अच्छा मिल गया, आपका तो वावा ना, आपका तो दुकानदार अच्छा। लोगों का सवाल भी जायज है, लेकिन व्यूअर्स इसलिए हम लोग बोलते हैं, आप कहीं पर भी आपके मन में कोई भी दिक्कत है आप वहां पर जाइए, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आप वहां जाइए, जाके प्रोडक्ट बाय हैंड देख लीजिए, आपको अगर अच्छा लगता है आप प्रोडक्ट सर ये तो सबसे बेस्ट बात है कि अगर आप आकर के देखते हैं, मिलते हैं, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई आप एक्चुअल में व्यापारी हैं या नहीं है, कितना बड़ा कर सकते हैं, आपको कोई फोन में तो हम आपको और दे सकते हैं, आपसे फोन कर सकते बिल्कुल है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नहीं आ सकते हैं, मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन वाला ये बात मैं आपको बताया, आपका गया तो क्या गया, 1,000-2,000 रुपया गया या आया तो आपका अच्छा प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। ये मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन वाला बात बता रहा हूँ, आप ये चीज सोच करके ही काम करिए, चाहे मेरे संग में या किसी के भी संग में। ये देखिए पीसेस हमारे पास में काफी सारा मिलेगा और हम लोग बता दें हम लोग बॉयज के मैन्युफैक्चरर है, तो आपको रेट के अंदर में भी काफी सारा डिफरेंस आपको समझ में आएगा। आज जो ये जो पीस, ये जो पीस मैं आपको 280-290 रुपए का जो पीस दे रहा हूँ, आप विश्वास करिए ये पीस 280-290 रुपए का मैन्युफैक्चरर लोग बेचता है बड़ा बाजार में। हमारा जो मेन मंडी जो है ना बड़ा बाजार, आप वहां पर जाइए ना, हाफ स्लिप्स का माल मिलता है 280-290 रुपया, 300-310 रुपए करके। हम लोग फुल स्लिप्स का माल आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आप बताइए क्यों प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं? सर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, हमारा बीच के अंदर में, आपके और मेरे बीच के अंदर में कोई भी तीसरा पर्सन नहीं है कि जो उसके अंदर में मार्जिन ले। आज के डेट में कोई भी व्यापार करता है ना सर, तो कम से कम उसको 10-15% का मार्जिन चाहिए होता है उसको काम करने के लिए। अभी हम लोग हैं मैन्युफैक्चरर, अभी मैं अपना बात बताऊं तो हमारा ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे को कि भाई 15-20% का मार्जिन चाहिए, अपने को छोटा मार्जिन चाहिए। पीस पे अपने को 10-15 रुपया पीस मिलता है ना, अपने को माल बनाकर के अपने को बेचना क्वांटिटी है। हाँ, मेरे को क्वांटिटी में मेरे को बेचना है, तो मेरे को मेरा टारगेट यही है कि मेरे को अगर 10 रुपया भी पीस बचता है, मैं अगर महीने का अगर 50,000 पीस माल बेच सकता हूँ तो वही मेरे लिए बेनिफिट है। सर बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं कि इनका माल नहीं बेचता, वीडियो बना के माल बेचते हैं। व्यूअर्स ऐसा बात नहीं है, माल बिकता है, लेकिन हर आदमी का कोशिश रहता है कि अपने बिजनेस को और बड़ा और बड़ा और बड़ा किया जाए। अरे सर मैं जब क्या यूट्यूब के अंदर मैं माल बेच रहा, जब मैं यूट्यूब में नहीं आया था तो क्या इसके पहले हमारा माल नहीं बिक रहा था सर? लेकिन क्या है, सब कोई और चाहता है कि बड़ा, एक मार्केटिंग का जरिया है, लोग जुड़ते हैं, आपको भी बेनिफिट होता है, कंपनी का भी बेनिफिट होता है। एकदम सर, इससे देखिए सर दोनों ही हाथों से ताली बजता है, इससे दुकानदार को भी फायदा है। अभी आप ये चीज सोचिए, जो वो अपना लोकल मार्केट से अपना
माल जो परचेज करते थे वहां उनको 20-20% 25-25% जो ज्यादा दे दे करके माल जो परचेज करना पड़ता था, अब वो हमारे पास में डायरेक्ट उनको मिल जाता है। और व्यूअर्स देख रहे हैं, इस तरह का प्रोडक्ट का रेंज आपको 300 के नीचे ही है, जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं 300 के नीचे में ही मिल रहा है। और अभी तो आप संजय, आप आने से पहले यही तो हम लोग का बैठ करके अभी 10 मिनट पहले तो यही बात हो रहा था कि भाई अभी जाएं बॉम्बे सूरत जाएं, वहां पर क्या नया एक्सेसरीज हमारे को मिल रहा है सस्ता, जो हमारे को कलकत्ता में नहीं मिलता है, या कलकत्ता में मिलता है तो जो चीज 10 रुपए का मिलता है, तो वही सिंह जी से बात हो रहा था कि भाई बॉम्बे जाने से वहां पे और कैसे प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाया जाए और प्राइस कम से कम प्राइस एकदम लिया जाए। तो हम लोग खुद भी परचेस करते हैं और हम लोग खुद भी चाहते हैं कि भाई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि हमारा भी तो कपड़ा आ रहा है ना भाई, अगर ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अगर हम लोग खुद भी खरीदते तो हमारे को तो और सस्ता दे पाएंगे और हम लोग आपको सस्ता देंगे सर, और सस्ता देंगे। तो यही चीज है, आप भी अगर हमारे संघ में जुड़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के संघ में जुड़ रहे हैं, तो ये चीज आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है कि आप अगर और सस्ता करके अगर बेच पाएंगे, आपका मार्जिन कहीं नहीं डगमगाने वाला, आपका मार्जिन वही है। आप और सस्ता करके दीजिएगा तो क्या बाजार के अंदर में, आपके एरिया के अंदर में जो आपका जो दुकान है वो एक लौता ऐसा दुकान रहेगा कि भाई कुछ नया कलेक्शन और सबसे सस्ता, यही तो है मार्केट का रूल। माल बिकेगा तो कैसे बिकेगा भैया, या तो आप बहुत अच्छा माल दीजिए तो थोड़ा आप अगर ज्यादा लीजिएगा तो भी चलेगा, या फिर एकदम सस्ता दीजिए और एकदम चकाचक माल दीजिए तो आपका माल बिकेगा। अपने लोग का 100% कोशिश यही रहता है कि बढ़िया से बढ़िया माल दें और कम से कम रेटों के अंदर में दें, ताकि मेरा दुकानदार खुश रहे, मेरा दुकानदार कमाए। तो व्यूअर्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरर के पास में है, तो लोगों के मन में पास में भी आएगा कि नहीं, एक बार थोड़ा सा अपना आइए ना दिखा दीजिए। हाँ आप आइए ना, आप मैं आपको दिखाऊंगा तो ऐसे समझ में भी आएगा। देखिए आप अगर किसी होलसेलर के पास में जाते हैं ना, तो उसका उसका इस तरीके से ऐसा बिखरा हुआ चीज नहीं मिलता कुछ, तो उसका बहुत सुंदर सा सजाया हुआ बॉक्सेस मिलता है। मेरा फैक्ट्री पूरा बिखरा हुआ है, यहाँ माल वहाँ माल, ये सारा खाली बॉक्सेस है सिर्फ। हाँ अब यहाँ खाली बॉक्सेस, यहाँ माल पड़ा हुआ है आयरन हो करके, ये सब पैकिंग के लिए पड़ा हुआ है, ये सब इतना माल बिखराया हुआ पड़ा है यहाँ पे। बॉक्सेस बॉक्सेस और यहाँ पर ये पैकिंग का काम यहाँ पर पैकिंग हो रहा है। ये आपका सर क्या मशीन है सर? इसको हमारे फ्यूजिंग मशीन बोलते हैं। इसके अंदर में बहुत सारा स्टिकर चिपकाया जाता है, या फिर पैंट का काम होता है वो इसके अंदर में काम होता है, फ्यूजिंग से गर्म से चिपकाया जाता है चीज। तो सर यहाँ पर हम लोग जैसे स्टिचिंग के लिए एक ही मशीन देख ले, तो क्या सर एक ही मशीन से आपका पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है? मशीन से प्रोडक्ट नहीं तैयार होता है, ये एक मशीन जस्ट सैंपल बनाने के लिए रखा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सैंपल भी पैंट, डेनिम का पैंट ये बना रहा है बंदा, ये देखिए कैसे डेनिम का पैंट भी सिलाई होता है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, इसके बाद आप लोग क्या करते हैं सर? यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पर सैंपल तैयार हो रहा है। ये पहले सैंपल बनेगा, सैंपल बना करके हम लोग पहले पीस को चेक करते हैं, सारा डायमेंशन वगैरह हमारा सेट होता है, डायमेंशन में पूरा ओके बैठ रहा है ना, हमारे क्वालिटी में ओके बैठ रहा है ना, हमारे को जैसा पीस चाहिए वो ओके बैठ रहा है ना, उसके बाद हम लोग आगे प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं कि भाई ये वाला पीसेस के अंदर में अब हमारे को और कितना पीस माल बनाना है, कैसा बनाना है, कैसा बना, और अगर उसके अंदर में माल में प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये चीज के लिए यहाँ पर पहले हम लोग। और व्यूअर्स बस आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का यहाँ पर काम होता है, आप एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़िएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पैंट भी निकल गया, दिखाइए, ये देखिए ये पैंट सिलाई हुआ है अभी, ये देखिए अभी एक अच्छा पैंट है, आप जितना भी पैंट जो देखते हैं, ये देखिए ये अभी कच्चा पैंट है, ये अभी सैंपल तैयार हुआ है, अभी ये वॉश होगा, इसके ऊपर में काफी सारा कारीगरी और बाकी है, पूरा सैंपल तैयार होने के बाद में सैंपल चेक किया जाएगा, ओके है ना, मेजरमेंट ओके है, पीस कैसा लग रहा है, ये सारा चीज ओके, उसके बाद में चीज आगे बढ़ता है, उसके बाद में प्रोडक्शन लिया जाता है। ये व्यूअर्स देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका आयरन का टेबल हो गया और ये कटिंग का टेबल है, इस तरह से सारा प्रोडक्ट यहाँ पर पैकिंग किया जा रहा है। कार्टून अब ये देखिए ये हमारा कस्टमर का ऑर्डर है, ये कस्टमर का ऑर्डर निकाला जा रहा है, ये देखिए ये जैसे सुजीत भैया का माल जा रहा है,
कस्टमर है हमारे जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू माल ये सारा उनका प्रोडक्ट निकाल के यहाँ रखा गया है, फिर इसके बाद इसे पैकिंग होगा। अब ये पैकिंग होगा, अब डिजाइन नंबर डाल दिया गया है भैया, ये डिजाइन नंबर वो व्हाट्सअप कर दिए कि ये डिजाइन नंबर चाहिए, कितना कितना पीस माल चाहिए। अब एक एक डिजाइन के अंदर में देखिए 48 पीस जा रहा है, एक डिजाइन के अंदर में जैसे 4016, 16, 18, 20 का 24 पीस, 22, 24, 26 का 26 पीस, 24, 24, ये डिजाइन देखिए 36, 36, 24, 24, 24, बने हमारे से बड़ा बड़ा होलसेलर जुड़े हुए हैं। कोई भी डिजाइन आता है ना तो ऐसा ऐसा होलसेलर बोलते भैया देखने का और दिखाने का जरूरत नहीं है, माल बना सीधा माल ट्रांसपोर्ट पर डाल करके हेलो बोल दीजिए कि आपका माल डाल दिए, इस तरीके का बात है। तो हम लोग कंटिन्यू उस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे को सिर्फ की भाई, और रेट में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, रेट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई होलसेलर को दे रहे तो कोई सस्ता दे रहे हैं, रिटेलर को दे रहे हैं तो महंगा दे रहे हैं, एक ही रेट है सर। आपका घर का 10 साल का बच्चा भी अगर हेलो बोल लेना तो रेट उनको वही मिलने वाला है, कोई स्पेशल किसी के लिए अलग सर, अलग रेट। इसीलिए तो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी के लिए क्वांटिटी कोई मायने नहीं रखता, कि आप बहुत क्वांटिटी में लीजिएगा तो आपको एक मैन्युफैक्चरर का रेट मिल जाएगा। हमारे लिए तो कस्टमर भगवान है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कस्टमर भगवान है। और व्यूअर जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लोग इसलिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि सर इस तरह कि आपसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब जुड़ेंगे तो आप का भी फायदा और हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ मिलेगा सर। और मैं आपको बताऊं, हमारे को तो कितना कस्टमर लोग ना फोन अभी करके कंप्लेन करने लगे कि आप ज्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं। मैं बोला सर आप लोग का इतना कोटि कोटि धन्यवाद है सर, भगवान का इतना बड़ा हमारे ऊपर में कृपा है कि हम लोग को इतना वीडियो बनाने का वो जरूरत नहीं पड़ता है कि वीडियो बना बना करके माल सर प्रोडक्शन नया आए, नया सैंपल आए और बीच बीच में आपसे भेंट मुलाकात होते रहे। हाँ नहीं वो तो 100% मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ नहीं मैं वीडियो दूं कुछ नया प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्शन दूं कैसे, मेरा सैंपल जब बन करके जैसे मैंने आपको दिखाया जब वो प्रोडक्शन में चलेगा, जो कस्टमर कंटिन्यू माल हम चले रहे बोलते क्या सैंपल बना है भेज दीजिए, सैंपल बनने से माल बनने से पहले वो बोलते इतना 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 पीस मेरा निकाल करके रेडी रख दीजिएगा, माल बनेगा माल लगा दीजिएगा ट्रांसपोर्ट पे, ये सिस्टम पे तो माल क्या दिखाऊं सर आपको। तो व्यूअर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमने आपको सर से मिलाया और फैक्ट्री में भी दिखाया आपको किस तरह का प्रोडक्ट तैयार होता है, किस रेंज का प्रोडक्ट है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा और हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। और सर आपका भी एक बार फिर से सर कोटि कोटि धन्यवाद, आपके व्यूअर्स का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर।